दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। एक साईं बाबा की मूर्ति भी है, यहाँ पे हम लोग दर्शन और फोटोग्राफी कर सकते हैं। फिर यात्रा लंका दहन द्वारका माई सबका मालिक एक हम हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रहा हूँ सिर्जी, वो बाहर और वो भी रात के टाइम पे, ताकि हम सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ आपके सिर्जी के लिए, तो अभी हम डायरेक्ट सिर्जी में मिलते हैं। फिर नाइट पे सिक्स को छूट नहीं होगा, फिर भी हम ट्राइवल पर डायरेक्ट करेंगे, तब तो और देखते रहना। फिर मिलते हैं वे टू शिप निकल रहे हैं, हम लोग पूजा वगैरह करेंगे गाड़ी, तब तो और देखते रहना। फिर मिलते हैं वे टू शिप निकल रहे हैं, हम लोग पूजा वगैरह करेंगे गाड़ी, आज में निकलते फटाफट, बनी रही ब्लॉग में। हम लोग को निकलते निकलते 12 बज चुके थे, तो 12 बजे हम लोग यहाँ से निकले विरार से। पेट्रोल वगैरह हम लोग ने पहले ही भर के रखा था, इसलिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब हमें पेट्रोल पम्प दिखता था, हम लोग पेट्रोल भर लेते थे। जैसे हम लोग ने हाईवे वगैरह क्रॉस किया, तो उसके बाद इतनी ठंड लगने लग गई, बहुत फॉग फॉग था। जैसे सुबह सुबह होने लग गई, तो हम लोग को अच्छा लगने लग गया था काफ़ी। हम लोग बहुत धीरे धीरे चला रहे थे गाड़ी, फिर हम लोग बहुत सारे जगह में रुके जाके चाय वगैरह पियेंगे। जाकर सनराइज का सीन इतना अच्छा था कि हम लोग 2-3 वहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक किए, हमारे इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन किया होगा, वहाँ जाके भी देख सकते हो। हम लोग फिर जैसे 7:30 बजे पहुँच चुके थे। फिर हमें बहुत जोरों की भूख लग रही थी, तो हम लोग होटल में आके जरा नाश्ता वगैरह किए। फाइनली पहुंच गए सिटी में, अभी हम लोग यहाँ होटल में रूम लिया हुआ है रेस्ट करने के लिए, तो भी फ्रेश वगैरह हो गया। अभी मैं जाऊँगा फिर साईं बाबा के मंदिर में, वहाँ तो मोबाइल अलाउड नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं शायद मोबाइल ही छोड़ के जाऊँ, तो मिलता आने वाले। 3 hours later. काफ़ी डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग चले गए थीम पार्क। एक्चुअली इनको बोलते हैं इमोशनल थीम पार्क, ऐसा कुछ नाम है एक जगह का। टिकट काउंटर है, हम लोग टिकट खरीदे, पर पर्सन टिकट 500 था। टिकट और टिकट के साथ हमें बैंड मिला, इसमें हम इसमें जो भी एक्टिविटीज हैं, इसमें जो हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते, ताकि इसमें बहुत कुछ है। और ये यहाँ का एक मार्केट है छोटा था, और कैफ़े भी है। यहाँ पे हम लोग ने चाय पिया था, बहुत मस्त लग रहा था चाय। तो यहाँ पे एक साईं बाबा की मूर्ति भी है, यहाँ पे हम लोग दर्शन और फोटोग्राफी कर सकते हैं। फिर यात्रा लंका दहन द्वारका माई सबका मालिक एक हमने शुरुआत किया फिर यात्रा से। यहाँ पे एक टॉय ट्रेन है, तो अपने भारत के 11 बड़े बड़े मंदिर के दर्शन किए जाते हैं पूरा घुमा के। चलो आपको भी दिखाता हूँ। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं, जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ मां नदी मुंबई से करते हैं। को नाराज नहीं करती गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर है उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी।
इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के दो द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। चार धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है, इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ सौ साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है
और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध चार धामों में से एक है और चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। तो अब अनुमति दें साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी हम जाएंगे लंका डन या 5G एक्सपीरियंस है, एक बड़ा सा डिस्प्ले, इसमें गॉगल दिया जाता है 3D का। एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया। फिर ऐसे कुर्सी अपने आप चलने लग गई थी, जहाँ पे हनुमान जी जो एक्सपीरियंस कर रहे थे वो सारा एक्सपीरियंस हम यहाँ फील कर रहे थे। हम चले गए द्वारका में, वहाँ पे 10 मिनट का एक थोड़ी शो रहता है। यहाँ एक्सप्रेस बहुत अच्छा था, स्टोरी टेलिंग थी। फिर हम लोग गए सबका मालिक, एक शो देखने के लिए। 1 घंटे का मूवी है, साईं बाबा के बारे में बहुत कुछ दिखाए, जो साईं बाबा ने कैसे आए, क्या करते थे।
फिर हम लोग यहाँ से निकलने के लिए 7 बज चुके थे, फिर हम लोग 7 बजे यहाँ से निकले विरार आने के लिए। फिर क्या क्या हम लोग को रात के 3 बज चुके, तो 3 बजे हम लोग विरार पहुँच गए, फिर घर जाके सो गए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को जो नए है तो, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।